आज हमने ना टेक्स्ट के बारे में सीखना है। कैपकट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ना एक ऑप्शन होता है कैपकट के अंदर ना, लाइब्रेरी। हाँ जी, ये देखिए, ये लाइब्रेरी का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस कैपकट की तरफ से और डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिल जाती हैं जो कि आपको चाहिए हो। और यहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन भी मिल जाती है, ये आपके सामने है। यहाँ पर आपको और भी बादल की, चांद की वीडियो वगैरह मिल जाती है, जैसे कि ये वीडियो हम ले रहे हैं। अच्छा, अब ये वीडियो हमने ली है ना, तो इसको सबसे नीचे आप देखेंगे HD है ना, HD में हम लेंगे इसको। HD पे क्लिक किया और ऐड कर लिया। अब ये वीडियो हमने ले ली है, ठीक है, ये कैपकट की अपनी वीडियो है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग आके टेक्स्ट को चूज करेंगे। बहुत इजी है टेक्स्ट को चूज करना, ये सारा आपके माइंड का गेम होता है। और बस टेक्स्ट में इतना कुछ खास नहीं है। ऐड टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे ब्यूटीफुल। एक जगह पे लिखते हैं हम लोग पहले, ठीक है, इसको हम सारा इसके जो है ना अच्छे से करके लिखेंगे। फिर ब्यूटीफुल मून नाइट, इस तरह से करके लिखेंगे। अब यहाँ पर हम आए हैं स्टाइल में। स्टाइल में आके अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्टाइल जो होता है ना, स्टाइल बोलते हैं बेसिकली फॉन्ट्स को बोलते हैं। फॉन्ट क्या होते हैं, फॉन्ट और टेक्स्ट में क्या फर्क होता है। टेक्स्ट होता है कि आपने कुछ भी लिख दिया, ABC 1 2 3, आपने जो कुछ भी लिखा है ना वो टेक्स्ट है आपका। और फॉन्ट, फॉन्ट वो है किस तरह से लिखा है आपने। सी को आपने लंबा करके लिखा है, उसको डिजाइन करके लिखा है। सी को आपने किस तरह से उसको शेप दिया है, और वो जो शेप होगी उसकी, उसको हम कहेंगे फॉन्ट। जैसे कि अभी ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। मतलब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं एक ही लफ्ज को लिखने के। तो इसको चूज कैसे करें कि कौन से लफ्ज को किस तरह से लिखना है, तो चूज इस तरह से करना है कि अगर कोई रोमांटिक टाइप जगह है जैसे कि ये, तो उसके ऊपर हैंड फॉन्ट अच्छे लगते हैं। और अगर कोई सीरियस जगह है जैसे कि कोई ब्रांड वगैरह या कोई चीज आपने सेल करनी है या इस्लामिक नॉलेज वगैरह का है, तो उसके लिए क्लासिक फॉन्ट या लग्जरी फॉन्ट बेस्ट रहते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसी चीज लिखनी है जो कि स्टाइलिश है, जैसे कि कपड़ों का ब्रांड वगैरह, ये वो चीजें, तो आप ये इस टाइप का फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट है जो डिफरेंट चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई हॉरर चीज आपने दिखानी हो तो आप ये वाला फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट की वैरायटी है आपके पास। यहाँ पर आप जो आपको दिल चाहे वैसे वाला फॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपकी लिखाई होती है ना, वो आपको कलर के मुताबिक करनी पड़ती है ताकि सामने वाले को नजर आए। एक बार जब हम इसके ऊपर एडिटिंग सारी कर लेंगे ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये फिर से हम स्टाइल के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हमारे फॉन्ट है, नेक्स्ट हमारा है स्टाइल। स्टाइल के अंदर एक और स्टाइल का ऑप्शन है, लेकिन ये वो वाला स्टाइल नहीं जिसके ऊपर हमने पहले क्लिक किया था। इसमें हमारे पास ये डिफरेंट 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 फिगर इन्होंने दिए हुए हैं ऑटोमेटिकली बना के। इसमें हमें कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, इस पे क्लिक करना है और ये बस ये इस तरह इधर लग जाएगा। ये देखें, ठीक है, आप चाहें तो नीचे से इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, जैसे ये स्ट्रोक लगा सकते हैं इसके ऊपर। पहले मैं इसका ये हटा लूं। जैसे अब ये देखें, ये है स्ट्रोक, इसको कहते हैं जो लाइन आती है ना टेक्स्ट के बाहर, इसको कहते हैं स्ट्रोक। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट। इफेक्ट के अंदर भी आपके पास, जैसे यहाँ पर ऊपर इन्होंने दिए हुए हैं ना डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट, TTT लिखा हुआ है, इफेक्ट भी सेम ऐसे ही है कि इन्होंने खुद से आपको बना के डिफरेंट डिफरेंट जो है वो फॉन्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपकी है एनिमेशन। एनिमेशन में जिस तरह हम वीडियो के अंदर एनिमेशन लगाते हैं ना, जैसे कि ये देखें, ये इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है या इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, ये होगी इनकी एनिमेशन, ये होगी आउट की एनिमेशन। इनका मतलब स्टार्टिंग में आएगी, आउट का मतलब जो है एंड पे ये आएगा। नीचे आपको दो ब्लू और रेड एरो भी दिखाई दे रहे होंगे। रेड ब्लू का मतलब है जो इन में आपको कितने टाइम तक जो है वो इसकी एनिमेशन चाहिए। अब मैं इसको ज्यादा करूंगी तो ये ब्यूटीफुल जो है थोड़ा स्लो होके आएगा। अब मैं इसको कम कर दूंगी तो ये बहुत तेजी से आ जाएगा, लेकिन हमें स्पीड नॉर्मल रखनी है। और रेड वाला जो आउट है उसका भी सेम एज इट इज है, इसको ज्यादा या कम करने से इसकी स्पीड भी ज्यादा या
रकम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लूप। लूप में क्या होता है कि वो चीज बार 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 होती रहती है। अगर मैं ये कोई भी चीज को चूज करूंगी ना तो वो फर्स्ट से लेके सेकंड तक होती रहेगी। इन एंड आउट में क्या था, एक तो फर्स्ट में होगी, दरमियान में कुछ नहीं होगा और एक लास्ट में होगी। लूप में क्या है कि लूप में मुसलसल वो चीज होती रहेगी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ना बबल है। बबल में क्या है कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट तरह के टेक्स्ट बैकग्राउंड होते हैं। इनको बेसिकली टेक्स्ट बैकग्राउंड भी बोलते हैं लेकिन कैपकट वालों ने इसका नाम बबल रखा हुआ है। अब जिस पे भी क्लिक करोगे उस टाइप के लिहाज से आपको यहाँ पर वो जो बबल है ना वो मिल जाएगा। इस तरह से तो बुरा लग रहा है, जब इसको छोटा करते हैं ना तो ये काफी अच्छा और खूबसूरत दिखता है। जैसे कि ये देखें, ये अब काफी अच्छा और खूबसूरत दिख रहा है इस तरह से। बबल्स पर्सनली इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं एडिटिंग में जो कि ब्लॉगिंग की होती है। तो वहाँ अगर आपने कभी इन फ्यूचर ब्लॉगिंग करनी हो तो अपनी वीडियो के अंदर आप जब सब टाइटल वगैरह लगाएंगे तो बबल्स लगा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें लिखनी हो, जैसे कि अगर किसी इस्लामिक चैनल आपने बनाना है ना, तो मिसाल के तौर पे आप डिफरेंट डिफरेंट पैगम्बरों के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर डिफरेंट ये लगा सकते हैं बैकग्राउंड और उनका नाम जो है लिख सकते हैं। इसी तरह हजरत मूसा के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट ये लगा के ये वाला, तो आप उनके बारे में इस तरह से बात कर सकते हैं। प्यारा भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा और प्रोफेशनल भी लगेगा। देन हमारे पास यहाँ पर प्रीसेट है। प्रीसेट में आप ये देखेंगे कि ये डिफॉल्ट के नाम से सेट है, ब्रांड वन टेक्स्ट, ब्रांड टू टेक्स्ट। यहाँ पर अपना प्रीसेट आप सेट कर सकते हो। कैसे सेट कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मैंने ये ऐसे इसका फोन जो है वो ये रख दिया, ठीक है, और इसको स्ट्रोक मैंने ये वाला दे दिया और इफेक्ट को कुछ भी नहीं देती, और मैं यहाँ पर इसका एनिमेशन जो है वो फोल्ड वाला कर देती हूँ, और अब मैं प्रीसेट पे आके सेफ प्रीसेट कर देती हूँ। बस ये 98% हो गया, 2% रह गया, जैसे ही होता है इसमें ऐड हो जाएगा। चेक करती हूँ, अगर तो ये विदिन 2 मिनट्स हो जाता है ना ऐड तो ठीक है, वरना इसको मैं ऐड करके फिर आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरे घर में काफी ज्यादा जगहों पे 3-4 डिवाइसेस चल रही है इंटरनेट पे, प्लस गूगल मीट और मेरी क्लास भी, और फिर उसके बाद कैपकट और मोबाइल का भी डेटा जो है वो वाईफाई के ऊपर ही चल रहा है। तो मे बी वाईफाई स्लो होने की वजह से ये 98% पे रुक गया और आगे 2% नहीं जा रहा, नहीं हुआ वो, नहीं तो यहाँ पर ना एक प्रीसेट बन जाता। ऐसा करती हूँ क्लास बंद होती है ना फिर मैं इसको सेव करके इसको स्क्रीनशॉट में आपको शेयर करती हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि कहाँ पर बन गया आएगा। बाकी ये ब्रांड टेक्स्ट 1, ब्रांड टेक्स्ट 2, तो वो ब्रांड टेक्स्ट 3 के नाम से यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। इतना दूर नहीं हम लोगों को जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट टू स्पीच। अच्छा टेक्स्ट टू स्पीच से पहले मैं आपको बता दूं कि एक ही टेक्स्ट पे एडिटिंग करके ना, ठीक है, उसको आप कर लो डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी मौजूद होता है। ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, एक तरफ क्रॉस है, पेंसिल है, आने जाने का निशान है, और यहाँ पर है डुप्लीकेट का, आने जाने का मतलब कि वो ना उसकी पोजीशन का निशान है, इसको पोजीशन वाला कहते हैं कि वो पोजीशन चेंज हो जाती है, और ये साथ इसके डुप्लीकेट वाला है, ठीक है। हम इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर लिखेंगे ब्यूटीफुल मून, और फिर इसको डुप्लीकेट करके इधर मून नाइट। हमेशा ना टेक्स्ट को खुला खुला करके लिखते हैं और ऐसा करके लिखते हैं कि पढ़ने वाले को ना नजर आए, ये ना हो कि सामने वाले को नजर ही ना आ रहा हो कि लिखा क्या है। बहुत सारे जितने भी मतलब नए नए होते हैं ना ग्राफिक डिजाइनिंग में आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, किसी जगह पे भी आते हैं, सबसे बड़ी गलती ना उनकी यही होती है, जो टेक्स्ट लिखते हैं उनका कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। तो एक ये बहुत बड़ी चीज है कि टेक्स्ट खुला खुला होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि लिखा क्या है, ठीक है। ये तो हमारी जी हो गई टेक्स्ट की एक सिंपल सी डेफिनेशन। अब हम टेक्स्ट के अंदर अगेन चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टिकर्स भी हैं, स्टिकर हमारे पास बाहर भी है अंदर भी है, दोनों सेम चीजें हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो कैप्शन। ऑटो कैप्शन जो होते हैं ना वो मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश के ऊपर ये ज्यादा यूज होते हैं, उर्दू और हिंदी में इतने ज्यादा यूज नहीं होते, तो ये शायद आपकी वीडियो पे चलेगा नहीं, लेकिन आप वीडियो
को ट्राई कर सकते हो। अगर इन फ्यूचर आपने इंग्लिश में वीडियो बनानी हुई तो यहाँ पर आप ऑटो कैप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो ये जो भी आप बोलोगे वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ नीचे लिख देगा, और उसके अंदर आप एडिटिंग भी कर सकते हो। अभी आपकी स्टार्टिंग है तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी ऑटो कैप्शन करना या फिर कैप्शन करना, क्योंकि काम बहुत लेंथी हो जाएगा। जब भी कोई स्टार्ट में काम स्टार्ट करता है तो उसको अपने ऊपर इतना ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए, इसलिए कैप्शन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। फिर हमारे पास क्या चीज है, टेक्स्ट टेम्पलेट्स है हमारे पास। टेक्स्ट टेम्पलेट जो है ना, टेम्पलेट जैसे कि कैनवा में होते हैं ना, वैसे यहाँ पर इन्होंने बनाए हुए हैं। आप कोई भी वीडियो बनाओ अपनी या कुछ भी इस तरह से करो, तो आप जो है वो टेक्स्ट को इस तरह से रख के इनको अंदर से आप इनको एडिट कर सकते हो। जैसे कि यार, और यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, अपने चैनल का नाम लिख सकते हो, और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हो टेक्स्ट टेम्पलेट से। यानी यहाँ पर काफी ज्यादा हमारे पास ऑप्शन है, सोशल मीडिया के, ईस्टर हॉलीडे के, टाइटल वगैरह के, सारे जो है हमारे पास। नहीं, लोगो वगैरह नहीं है ये, लोगो वगैरह नहीं है, लोगो एक अलग चीज होती है। ये आप टेक्स्ट, ये टेक्स्ट टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट होता है बनी बनाई एक चीज को थोड़ा सा एडिट कर देना। फिर हमारे पास है ऑटो लिरिक्स। ऑटो लिरिक्स में अगेन ये आपके कंटेंट के मुताबिक नहीं है, ये गानों का है। गानों के जो लिरिक्स होते हैं ना, ये वो उठा सकते हैं और उनको जो है वो लिख सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ड्रो है। ड्रो में यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, हमारे पास जो है ना, इसको पेंसिल भी बोलते हैं, ड्रो करना भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पेंसिल्स हैं, तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कलर भी हम चेंज कर सकते हैं और इसकी टाइप भी हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी का फेस वगैरह छुपाना हो या कुछ करना हो तो आप उसके ऊपर ऐसे ना गोल गोल से बना सकते हो, लेकिन वो स्टिकर से भी आप कर सकते हो चेंज। नेक्स्ट हमारे पास इसी के साथ है एक पैटर्न का। पैटर्न क्या होते हैं कि देखिए, पैटर्न जैसे यहाँ पर दिल बने हुए हैं ना, तो मैं यहाँ पर अगर दिल बनाऊंगी तो ये जिस तरह वो पेंसिल से बन रहा था ना, अब ये दिल से ये बनना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह मेरे पास स्टार्स भी हैं, स्टार से भी मैं इस तरह बनाऊंगी तो ये ऐसे बनना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको सबको अंडू कर दूं। अच्छा, अब ये आप पेंसिल देखेंगे, पेंसिल के साथ हमारे पास रेजर है, हम जहां से चाहे इसको मिटा भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओपेसिटी है। ओपेसिटी अगर हम इसकी कम कर देंगे ना, जिसको भी हमने सिलेक्ट किया होगा, सिलेक्ट करके उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे ना। ओपेसिटी के बारे में मैंने कल आपको समझाया था कि क्या होती है, किसी भी चीज को अगर हल्का कर देंगे ओपेसिटी कम हो जाएगी, और उसके ओरिजिनल शेप में उसको अगर रखना होगा तो उसकी ओपेसिटी 100 हम लोग कर देंगे। जैसे कि ये देखिए, ये स्टार्स अब बहुत हल्के हल्के नजर आ रहे हैं। ओपेसिटी ज्यादा कर दूंगी तो ये स्टार जो है अब डार्क नजर आना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, और हमारे पास अब टेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है टेक्स्ट में, वो होता है टेक्स्ट टू स्पीच। हम उसको ऐसे रखते हैं। हाँ, और ये देखें हमारे पास स्टाइल के आगे स्टाइल, ठीक है, स्टाइल के आगे हमारे पास एक ऑप्शन है टेक्स्ट टू स्पीच, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस हैं, आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे ना टेक्स्ट टू स्पीच करेंगे तो वो वही बोलेगी जो आपने यहाँ पर लिखा होगा। लेकिन एआई वॉइस को ना सोशल मीडिया इतना रेकमेंड नहीं करती, इसलिए मैं भी आपको रेकमेंड करूंगी कि एआई वॉइस ना यूज कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर एआई की वीडियो जो होती है ना वो बैन कर देते हैं और उसको प्रमोट भी नहीं करते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट में क्या क्या ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, इसे डिलीट हो जाएगा। सिलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट आप इसको भी, इसको भी, इसको भी सिलेक्ट करके और इसको भी सिलेक्ट करके आप जो चाहे इनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं या इनको एक ही टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये ना कैनवा के अंदर भी ये ऑप्शन है, जब मैं आपको कैनवा सिखाऊंगी ना तो ये उसके अंदर मैंने इंशाल्लाह आपको बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब डीसेलेक्ट कर दिया मैंने इन सबको। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं ना आई, ठीक है, जैसे कि ये सिलेक्ट वाले ऑप्शन की, ये मेरा ख्याल है नहीं आएगी आपको इसकी समझ, तो इसका इसका ना मेन, इसका मैं कंप्यूटर पे आपको समझाऊंगी सही वाला, उधर आपको समझ आ जाएगी। कंप्यूटर पे आपने समझा होगा ना, मोबाइल के ऊपर आप बड़ी इजीली ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन जो है उसको कर सकते हो, और ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन बेहद आपकी जिंदगी आसान कर देगा बहुत सारी चीजों में।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास टेक्स्ट में क्या ऑप्शन मौजूद है। एनिमेशन हो गया, सिलेक्ट हो गया, बेसिक्स है। बेसिक्स में अगेन हमारा जो मैंने आपको सिखाया था, हम इसको राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, इसका स्केल ज़्यादा या कम कर सकते हैं और इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट भी मैंने आपको बताया था, डुप्लीकेट में इसको डबल कर सकते हैं। लास्टिंग टेक्स्ट, लास्टिंग टेक्स्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगी ना, तो ये बिल्कुल हमारी वीडियो के एंड तक चला जाएगा। टेक्स्ट स्टार्ट से लेके एंड तक ये जो टेक्स्ट है ये शो होना शुरू हो जाएगा। समझ आई है इसके ऑप्शन की? ये देखें, अब ये जो मून लिखा हुआ है, हम इसको जरा डिफरेंट कलर में कर लेते हैं, कलर इसका हम चेंज करते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। अब ये मून लिखा हुआ है, ये सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ दरमियान में है। लेकिन अगर मैंने इसको क्लिक किया और फिर लास्टिंग टेक्स्ट को क्लिक किया, तो अब मून कहाँ लिखा होगा? स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमारे पास मून लिखा हुआ आएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अगेन इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में वही है हमारा, इफेक्ट्स मैंने अभी आपको बता दिया था, बबल बता दिया था। और अब हमारा लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में ये होता है कि कोई चीज अगर मूव कर रही है, मैं दूसरी वीडियो निकालती हूँ, कोई चीज अगर मूव कर रही है ना, तो आपका टेक्स्ट उसके साथ साथ मूव करेगा। मैं कोई चीज ऐसी निकालती हूँ जो जरा मूवमेंट कर रही हो। ये वीडियो लेते हैं हम, इस सारे को अब हम करते हैं डिलीट। इसका हम यहाँ से रेशो चेंज कर ले जरा, ताकि हमें और ज्यादा अच्छे तरीके से ये नजर आए, सही है। अभी हमारा रेशो चेंज हो गया है, फिट बैठ गई है सारी। ये देखें, ये यहाँ तक हम वीडियो ले लेते हैं, इसको इसको हम कट करते हैं, इसको भी हम कट करते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं अपना टेक्स्ट, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, स्टिकर भी लगा सकते हैं। हम एक काम करते हैं, स्टिकर हम लगा देते हैं इनके पाँव में। की डालना सिखाया था हम वैसे तो, इधर की लगा के फिर जहां जहां ये जाए इनके पीछे पीछे, ऐसे पीछे 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 इनके की लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास इससे भी बेहतरीन ऑप्शन है, हम सीधा जाके इधर आएंगे, ठीक है, ये ट्रैक करेंगे। ट्रैक यहाँ पर जो इनकी टांगे हैं, इनको हम अपना बनाएंगे सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ना थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ये इधर हम करते हैं। और हमारा जो स्टिकर है, स्टिकर को भी हम जरा यहाँ इनके ऊपर रखते हैं। और हमारा जो ट्रैक है, इसको भी इधर रखते हैं और स्टिकर को भी इधर रखते हैं। और अब स्टार्ट ट्रैकिंग करते हैं। अगर चेहरा थोड़ा बड़ा होगा या आपका ऑब्जेक्ट, जब जो इंसान ये चल रहा है ना, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा होगा तो उसको ट्रैक करने में थोड़ी आसानी होगी, वरना वो थोड़ा सा ट्रैक से हिल जाएगा। चलिए जी, आ गया वो। अब जहां जहां वो इंसान जा रहा है, मेरा स्टिकर जो है, इसको स्टिकर से ये हटा देती हूँ मैं, जहां जहां वो इंसान जा रहा है वहां वहां मेरा स्टिकर जाएगा।